हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और DSSSB के लिए जो न्यू सिलेबस आया था, जो कि इग्नू से था और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस था ग्रेजुएशन का, उसको डाला गया है। तो जो मेन टाइटल्स हैं सिलेबस के, वो तो बिल्कुल सेम है इग्नू और DU के, लेकिन जो डिटेल्ड सिलेबस में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चैप्टर्स में चेंज आता है फ्रेंड्स। तो आप में से ही किसी ने कमेंट करके बोला था कि आप उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डाल दीजिए, तो उसके लिए आज एक वीडियो बना रही हूँ। देख रहे हैं कि क्या क्या चेंज है, किस तरीके से इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ का जो सिलेबस है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सिलेबस है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, प्रीमेबल दी गई है, कोर्स के बारे में बताया गया है। हम डायरेक्ट वहीं पर चलते हैं जहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ये है यहाँ का जो कोर कोर्स है। यहाँ के जो पेपर टाइटल्स हैं वो बिल्कुल सेम है इग्नू के जैसे, 14 टाइटल्स हैं, 14 के 14 टाइटल बिल्कुल सेम है जो कि इग्नू में दिए गए हैं। और हम यहाँ पर ओनली बात करेंगे कोर कोर्स की, बाकी जो जॉनरिक कोर्स है और सेंट्रिक इलेक्टिव है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ओनली कोर कोर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, बाकी कोर्सेज़ की डिटेल भी यहाँ पर दी गई हैं। और ये डिटेल्ड सिलेबस है BA ऑनर्स का, जो कि इंग्लिश का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसका पेपर फर्स्ट है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में यहाँ पर इन्होंने किस किस को ऐड किया है ये देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कालिदास को ऐड किया है, और कालिदास का जो वर्क है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी को ऐड किया गया है। तो यही हमारा इग्नू में भी है और यही सेम इसमें भी है, तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो नेक्स्ट है व्यास का जो महाभारत है, उसमें से दो चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं, द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग, द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। तो ये महाभारत के कुछ चैप्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है शूद्रक मृच्छकटिका, ये उसमें भी है, इग्नू में भी है और यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है इलांगो अधिगल का द बुक ऑफ बंसी इन शिलापट्टिकम, शिलापत्तिकरण, शिलापट्टिकरम में क्या था वहाँ पर पूरा जो प्ले है उसका दिया गया है शिलापट्टिकरम, और यहाँ पर ओनली इसकी एक बुक को सजेस्ट किया गया है जो कि है द बुक ऑफ बंसी। और इसके अंदर एक और नेक्स्ट है द टेल ऑफ एन एंकलेट, शिलापट्टिकरम द टेल ऑफ एन एंकलेट, ये इसका पूरा टाइटल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टॉपिक है, पेपर टू है, वो है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में किस किस को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर होमर को इंक्लूड किया गया है, द एलियाड इसका वर्क है, इनका वर्क है उसको इंक्लूड किया गया है, सेकंड सोफोक्लीस का, ओडिपस द किंग इंक्लूड किया गया है, और आगे जो है वो रेफरेंस दिया गया है कि आप किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, कहाँ से रेफरेंस लेकर आप इनको पढ़ सकते हैं, या फिर इनकी जो कोई रेफरेंशियल बुक है उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है प्लूटो, प्लूटस पॉट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट ओविड सेलेक्शन फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस, बैकस बुक थर्ड, पिरामस एंड थिस्बे बुक फोर, फिलोमेला बुक सिक्स, इनको पढ़ना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है होरेस सटायर्स, होरेस के जो सटायर्स हैं उनको पढ़ना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ये सजेस्टेड टॉपिक्स और बैकग्राउंड प्रोज रीडिंग क्लास प्रेजेंटेशन टॉपिक्स दिए गए हैं कि इनके लिए हमको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जिसमें है द एपिक कॉमेडी एंड ट्रेजडी इन क्लासिकल ड्रामा, द एथेनियन सिटी टेल्स, स्टेट कैथारसिस एंड मिमेसिस, सटायर लिटरेरी कल्चर इन ऑगस्टन रोम। लेकिन फ्रेंड्स इतना सब कुछ हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम जो मेन कोर्सेज हैं, मेन जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं ओनली, उनको भी अगर कवर करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, बाकी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे, इसलिए जितना कम्प्लीट कर पाएँ उतना ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है पेपर थर्ड, पेपर थर्ड में इंक्लूड किया गया है इंडियन राइटिंग को, जिसमें कि देख लेते हैं, जिसमें कि आर के नारायण है जिनका वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, अनीता देसाई है जिनका वर्क है इन कस्टडी, एच एल वी डिरोजियो है जिनका वर्क है फ्रीडम ऑफ द स्लेव, द ऑर्फन गर्ल, और कमला दास है इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड फादर्स सॉरी ग्रैंड मदर्स हाउस, और निसी मेजिकल है एंटरप्राइज, इनका वर्क है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी इनका ही वर्क है। और नेक्स्ट है रोबिन एस गेनगोम,
प्रोनंसिएशन शायद सही नहीं है इसकी, और द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस नेगनोम ए पोएम फॉर मदर। तो ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के जो वर्क्स हैं इन्होंने यहाँ पर दिया गया है। एक और बचता है जो कि है मुल्कराज आनंद, जिसमें है टू लेडी रैम्स, सलमान रश्दी है द फ्री रेडियो, रोहिंटन मिस्त्री है स्विमिंग लेसन, शशि देशपांडे है द इंट्रूजन। नेक्स्ट है ये, फिर रेफरेंसेस दिए गए हैं कि आप इन सब चीज़ों को कहाँ से पढ़ सकते हैं। पेपर फोर है यहाँ पर ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th to 17th century, जिसमें जियोफ्री चौसर को इंक्लूड किया गया है, द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग, एडमंड स्पेंसर, सिलेक्शन फ्रॉम एमोरेटी, सोनेट दिए गए हैं यहाँ पर, सोनेट नंबर दिए गए हैं, अभी इसका मुझे नहीं पता है ये कितने कितने नंबर है, ये आप अपने आप देख लेंगे। लाइक एज अ हंट्समैन सोनेट स्वीट वॉरियर, और नेक्स्ट सोनेट है वन डे आई रोट हर नेम जॉन डन, द सन राइजिंग बेटर माई हार्ट, वैलिडिक्शन है फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो जिनका वर्क है डॉक्टर फोस्टर्स, विलियम शेक्सपियर का वर्क है मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का वर्क है ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं पेपर फाइव, दैट इज़ रिलेटेड टू अमेरिकन लिटरेचर एंड इट इंक्लूड्स टेंसी विलियम्स, टेंसी विलियम्स का वर्क है द ग्लास मेनेग्री, टोनी मॉरिसन का बिलव्ड, एडगर एलन पो द परलोएंट लेटर, एफ स्कॉटलैंड स्कॉट फिट्जरलैंड का वर्क है द क्रैक अप, विलियम फोकनर का वर्क है ड्राई सेप्टेम्बर, एन ए ब्रेड स्ट्रीट का वर्क है द प्रोलॉग, वाल्ट व्हाइटमैन सेलेक्शंस फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माय कैप्टन पैसेज टू इंडिया, एलेक्जी शर्मन एलेक्जी क्रो टेस्टामेंट इवोल्यूशन। तो ये वर्क अमेरिकन लिटरेचर से दिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट है पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर से किस किस को इंक्लूड किया गया है, लेविस कैरोल को इंक्लूड किया गया है जिनका वर्क है थ्रू द लुकिंग ग्लास, अगाथा क्रिस्टी द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड। नेक्स्ट है श्याम सल्वादुरई फनी बॉय। फ्रेंड्स प्रोनंसिएशन में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए क्योंकि एकदम से प्रोनंसिएशन नहीं हो पाता है, कुछ नेम्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एकदम से प्रोनाउंस नहीं किए जा सकते सही से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम भीमायाना भीमयान एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑटोबायोग्राफिकल नोट ऑन अम्बेडकर फॉर द विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। अच्छा ये विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th and 18th century, ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा 18th and 17th century से जो रिलेटेड है, जिसमें विल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है जिसमें बुक फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी है, अफ्रा बेन का रोवर है, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट एट, ब्रिटिश लिटरेचर ऑफ 18th century, 18th century का जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड, जोनाथन स्विफ्ट गुलीवर ट्रैवल्स बुक थर्ड एंड बुक फोर, सैमुअल जॉनसन्स का जो वर्क है लंदन इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे द एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और लॉरेंस स्टर्न द लाइफ एंड द ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टरैम सैंडी जेंटलमैन। तो इनका ये वर्क है इनको पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर में किस किस को पढ़ना है, विलियम ब्लेक द लैम्प द चिमनी स्वीपर फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द टाइगर द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से है इंट्रोडक्शन, द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है, रॉबर्ट बर्न्स ए बार्ड्स एपिटेफ स्कॉट वा है। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है टिंटर्न एबे ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, सैमुअल टायलर कॉलरिज का वर्क है कुबला खान डिजेक्शन एंड ओड। नेक्स्ट है एल जी गॉर्डन का वर्क है न्योल बायरन चाइल्ड हेरोल्ड कैंटो थर्ड कैंटो फोर, इनकी लाइंस भी दी गई हैं कि इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है फ्रेंड्स, और ये चीज़ें आप गूगल से सर्च कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए परफेक्ट एक कोई बुक नहीं बनी है, और अगर कोर्सेज़ की बुक हम लेने गए यूनिवर्सिटी के लिए जो बुक्स आती हैं तो हमारे पास बुक्स ही बुक्स हो जाएंगी, बहुत सारी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी जितना कि समय हमारे पास नहीं है। तो देख लेते हैं
पीबी शैले का वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड ओजीमेंडियास। नेक्स्ट है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। जॉन कीट्स का वर्क है ओड टू ए नाइटिंगेल टू ऑटम ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। नेक्स्ट है मैरी शैली का वर्क है फ्रैंकेस्टीन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी का जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्लोट ब्रोंटे का जेन आयरी, चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स, अल्फर्ड टेनिशन का द लेडी ऑफ शैलोट एंड यूलिसिस, द डिफेंस ऑफ लखनऊ, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर, फ्रा लिपो लिपि, क्रिस्टिना रोसेट्टी का द गॉबलिन मार्केट। इसको इंक्लूड किया गया है 19th सेंचुरी के लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में। नेक्स्ट है पेपर 11 जो कि है वुमेन राइटिंग। वुमेन राइटिंग में इंक्लूड किया गया है एमिली डिकिंसन को, जिनके वर्क्स हैं आई कैन नॉट लिव विद यू, आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश्ड दैट, सिल्विया प्लैथ का डैडी, लेडी लेजारस, यूनिस डे सोजा का वर्क है एडवाइस टू वुमेन बी क्वेस्ट, एलिस वॉकर द कलर पर्पल, चार्लोट परकिन गिलमैन द येलो वॉलपेपर, कैथरीन मैंसफील्ड का ब्लिस और महाश्वेता देवी का द्रौपदी। नेक्स्ट है मैरी वोलेंस क्राफ्ट, इनका वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, रमाबाई रानाडे का वर्क है ए टेस्टिमनी ऑफ आर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर्स इन पंडिता रमाबाई थ्रू हर ओन वर्ड्स, इनके सिलेक्टेड वर्क्स हैं। नेक्स्ट है राम सुंदरी देवी एक्सर्प्ट्स फ्रॉम अमर जीवन इन सीसी थारू एंड के ललिता एड्स। पेपर 12 है फ्रेंड्स ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और इसमें क्या क्या है। जोसेफ कॉनराड जिनका वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, डी एच लॉरेंस जिनका वर्क है सन्स एंड लवर्स, वर्जीनिया वॉल्फ मिसेस डॉलोवे, डब्ल्यू बी येट्स लेडा एंड द स्वान, द सेकेंड कमिंग, नो सेकेंड ट्रॉय, सेलिंग टू बिजेंटियम, टी एस एलियट का वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ट परफ्रॉक, स्विंगी अमंग द नाइटिंगल्स, द होलो मैन। ये 20th सेंचुरी का जो लिटरेचर है इसमें इंक्लूड किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेपर 13। पेपर 13 में आता है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा जिसमें हेनरिक इब्सन का वर्क है घोस्ट, बर्ट लॉट ब्रेच द गुड वुमेन ऑफ सिजवान, सैमुअल बकेट वेटिंग ऑफ गोडोट एंड यूजिन लुनेस्को का राइनोसोर्स। आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ इन सबको। और नेक्स्ट एंड लास्ट है पेपर 14 जिसमें इंक्लूड किया गया है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को, जिसमें फर्स्ट है चिनुआ एचिवी थिंग्स फॉल अपार्ट, गैब्रियल गार्सिया मार्क्विज क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड, बेसी हेड द कलेक्टर ऑफ ट्रीजर्स, अम्मा एटा एडियो द गर्ल हु कैन ग्रेस ओगोर द ग्रीन लीव्स, पेब्लो नेरुडा टुनाइट आई कैन राइट द वे स्पेन वाज, डेरेक वॉलकॉट का वर्क है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका नेम्स, डेविड मेयरोफ का वर्क है रिवॉल्विंग डेज माइंड लेमन्स, मैमेक दाई स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर द वॉइस ऑफ द माउंटेन। तो फ्रेंड्स ये थे 14 पेपर्स जिनको हमने कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं, इसके बाद जो कोर्सेज हैं, इनको हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इनको हमें नहीं पढ़ना है। काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है जिनमें से जॉनरिक इलेक्टिव है और यहाँ पर बताया गया है देखिए डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव, नेक्स्ट है जॉनरिक इलेक्टिव, इनमें से चार को ओनली हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सारा कुछ पढ़े और फिर उसको कैसे हम चार को सेलेक्ट करेंगे, तो इसीलिए कोर कोर्स को ओनली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसी से जो कंप्लीट चैप्टर्स हैं, कंप्लीट जो यूनिट्स हैं उनको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।